कहा कि ये मेरे भी बस में नहीं। शंकर आदि ने भी कहा लेकिन अगर कोई अधर्मी व्यक्ति एक असुरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया जहां कहीं भी यज्ञ हवन मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अयोध्या में राजू भगवान प्रकट हो गए। वहां पर भगवान शंकर जी ने कहा ओम वदन्तु नमः काये भूरि भूति सम्प्रभा पावन में आज इस रामनवमी के पावन पवित्र पर्व पर सभी पुंजवासियों को सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये पावन पवित्र पर्व प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव जिसको कहते हैं आज एक साल के बाद हमें फिर नसीब हुआ है। ऐसा है कोविड महामारी की वजह से ना पिछली बार वर्ष ना ही इस वर्ष हम इस पवित्र पावन पवित्र पर्व को जिस तरीके से सनातन धर्म सभा पूरे जिले के अंदर मनवाती थी और गीता भवन के विशेष रूप से गीता भवन परिसर के अंदर जिस तरह से ये पर्व मनाया करते थे वो नहीं हो सका। हमने यही सोचा कि अगर अपने लोग बच जाएंगे ये अगले वर्ष फिर हम प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव इससे भी अच्छे धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए कोविड महामारी जैसे पूरे देश के अंदर अपने पांव पसार रही है, हम सुनते हैं कि पुंछ के अंदर ऐसे हालात ना बने जैसे दिल्ली और यूपी के अंदर हालात हैं, ऐसे हालात ना बने। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOPs का पालन करते हुए उनके दिशा निर्देशों का माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज ये पर्व जो है गीता भवन के परिसर के अंदर और उसके सत्संग हाल के अंदर बड़े ही सादगी के साथ 2 फुट की दूरी 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी सैनिटाइज का इस्तेमाल करते हुए मनाया जा रहा है। मैं सभी पुंछवासियों से ये विनती करूंगा कि इस महामारी से अगर हमें बचना है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOPs का पालन करना चाहिए। आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं पूरे जिला के अंदर पूरे पुंछ के अंदर 60-70 धार्मिक स्थान हैं जहां पर ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता था लेकिन आज सनातन धर्म सभा के निर्देशों के अनुसार बड़ी ही सादगी के साथ अपने अपने मंदिर के अंदर ही ये पर्व जो है मनाया जा रहा है। मैं सभी मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरित मास के उपलक्ष्य में समस्त मानव जाति को लाख लाख बधाई देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार एक ऐसे समय में हुआ जिस समय इस धरा पर धर्म लुप्त हो रहा था और वो राजा लोग जो मानव को जो है एक बंदी बनाना चाहते थे प्रजा पर मनमाना कर लगा रहे थे और भगवान का नाम लुप्त करना चाहते थे तो उस समय भगवान जी का अवतार हुआ और उन्होंने उन दुष्ट लोगों को मारकर इस धरा पर एक धर्म की स्थापना की एक जो है मर्यादा लाई। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा गया। भगवान जी का अवतार हुआ इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचित मानस जी में लिखते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतला विश्रामा कि इसी आज के दिन ही दिन के मध्य काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। उन्होंने दुनिया को सच और मानवता पर चलने के उपदेश जो है वो दिए दिया वही संसार को उपदेश दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः उठ के रघुनाथा शीश नभा में गुरु पिता माता वो प्रातः काल उठते हैं और अपने माता पिता गुरु जी के चरणों में शीश नवाते हैं। उन्होंने संसार को भी ऐसा करने को कहा कि उन्हें रामचित्त मानस जी का अध्ययन करना चाहिए और उनकी
एक एक शब्द जो है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और रामचरितमानस के अनुसार अपने जीवन का जीवन को चलाना चाहिए, जिसमें सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अमरीश जी, कोरोना के कारण क्या फर्क पड़ा इस बार? कोरोना के कारण जो हमने इस बार सबसे बड़ी जो बात है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे लगभग 15 मंदिरों से झांकियाँ निकलकर श्री गीता भवन में आती थी, तो उससे यहाँ से बड़ी शोभा यात्रा निकलती थी। इस बार शोभा यात्रा जो है उसको स्थगित किया गया है, सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय जो है लिया गया, वो भी कोविड की जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जल्दी ही पूरे विश्व को, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो पूरे विश्व को अपना कुटुंब अपना एक परिवार मानता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बीमारी से, इस महामारी से सभी मानव जाति को जो है छुटकारा दिलाएं।